नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। बाढ़ पीड़ितों के लिए खुशखबरी, 15 अगस्त तक खाते में जमा हो जाएगी जीआर की राशि। बिहार के 5 जिलों में 8 सड़कों के निर्माण पर खर्च होंगे 161 करोड़, पथ निर्माण विभाग ने दी मंजूरी। मुंबई से पटना के लिए निकले आईपीएस विनय तिवारी, कड़े लहजे में कहा, मुझे नहीं इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। पप्पू यादव का बड़ा आरोप, छोटी मछली रिया को आगे कर बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। अब खबरें विस्तार से। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने 15 अगस्त तक पीड़ित परिवारों को बाढ़ सहायता राशि उनके खाते में जमा करा दी जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए दरभंगा प्रमंडल के जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों को बाढ़ सहाय राशि जीआर प्रति परिवार 6,000 रुपये उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में माननीय नगर विधायक संजय सराबगी, महापौर बैजंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त श्री घनश्याम मीना के साथ बैठक की गई। बैठक में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके के बारे में चर्चा की गई एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को ग्रेच्युटी रिलीफ की राशि 15 अगस्त तक भेजने हेतु निर्णय लिया गया। खबर पटना से। बिहार के 5 जिलों की 8 योजनाओं के लिए 161 करोड़ रुपये से काम पूरा होगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि विभागीय निविदा समिति में सूबे के 5 जिले की 8 योजनाओं के लिए 161 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजना के तहत करीब 74 किलोमीटर लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का काम होगा। वहीं नालंदा में एक उच्च स्तरीय RCC पुल का भी निर्माण किया जाएगा। खबर मुंबई से है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच कराने मुंबई पहुंचे IPS विनय तिवारी, BMC ने छोड़ दिया है। IPS विनय तिवारी मुंबई से पटना के लिए निकल चुके। जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तब उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि मुझे क्वारंटीन नहीं किया गया बल्कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया है। इसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस की जाँच को मुंबई पुलिस ने बाधित किया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए CBI जुट गई है। सुशांत केस में सबसे पहले CBI जांच की मांग करने वाले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अब CBI अफसर की भूमिका पर ही सवाल खड़ा करने लगे हैं। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की लाख पर राजनीति का विचित्र नाटक किया जा रहा है। उनका मानना है कि एक फेलियर ऑफिसर को इस केस में जाँच के लिए लगाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा,
कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के राहत को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता टीन का चश्मा उतारे और देखे कि राज्य सरकार कितनी मुस्तैदी से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव के काम में जुटी है। सदर अस्पताल के एकमात्र सर्जन 17 दिनों तक कोरोना से जंग लड़ने के बाद जंग हार गए। शुक्रवार की सुबह एम्स पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। करीब 25 दिन पूर्व ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे। 22 जुलाई को स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। करीब 17 दिनों तक कोरोना से जंग लड़ते हुए शुक्रवार की सुबह उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर यहां पहुंचते ही जिले के चिकित्सकों एवं आम लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। खबर भागलपुर से। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी अब युवाओं पर फोकस कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जा सके। मिशन युवा में जुटी लोक जनशक्ति पार्टी अपने संगठन विस्तार पर पूरा ध्यान दे रही है। जहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया, सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बगहा से। बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच नीतीश सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटी है। सीएम नीतीश कुमार लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। आज बाढ़ के हालात के जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज चंपारण में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई मार्ग से जायजा लिया। जब सीएम का हेलीकॉप्टर चंद्रपुर के पास कटाव स्थल के ऊपर मंडराने लगा, तब कटाव रोधी कार्य में लगे सभी संवेदक सहित सभी अभियंता कनीय अभियंता सतर्क हो गए। सीएम के हवाई सर्वेक्षण की सूचना पहले से ही मिलने के कारण सिंचाई विभाग के सभी अभियंता तटबंध पर मौजूद थे। वहीं कटाव स्थल पर संवेदकों द्वारा कटाव रोधी कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा था। खबर पटना से। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई के हाथ में आ गई है। इसके बाद ही बिहार से मुंबई गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्वारंटाइन से रिलीज कर दिया है। इसके बाद बिहार के डीजीपी ने बीएमसी को थैंक यू बोला है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बिहार के पुलिस मुख्यालय ने बीएमसी के आयुक्त को दोबारा पत्र लिखकर अपने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुक्त करने के लिए कल अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए विनय को मुक्त किया गया है। वे आज शाम को पटना लौट रहे हैं। खबर बेगूसराय से। जिले में भले कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अपराधी बेलगाम है। बेखौफ अपराधी आए दिन आपराधिक घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। गुरुवार की रात बलिया थाने के विष्णुपुर गोखले नगर दियारा में
बदमाशों ने घर पर चढ़कर पिता और पुत्र दोनों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस घटना में बुजुर्ग पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पुत्र का शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार केस नहीं उठाने पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक बिशनपुर गांव निवासी 60 वर्षीय सच्चिदानंद मिश्र एवं घायल उनके 20 वर्षीय पुत्र पिंकेश कुमार बताए जाते हैं। मृतक सच्चिदानंद मिश्र का शव गायब बताया जा रहा है। मृतक के पुत्र चिंकू कुमार ने बताया कि गंभीर मामले में गांव के कुछ लोगों पर उनके परिजनों ने मुकदमा कर रखा था। बदमाश मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे थे। मुकदमा नहीं उठाने के कारण बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा और भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।